मंच पर उपस्थित काशी के सांसद और भारत के पदनामित प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा विजय प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय जी और आज इस सभागार के अंदर आए हुए काशी लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और वरिष्ठ नगरजनों, आज वैसे तो मैं आज काशी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से काशी, उत्तर प्रदेश, उसके सभी मतदाता और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि जब काशी के अंदर तही था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रत्याशी होंगे, मोदी जी के नामांकन के पहले मोदी जी का काशी दर्शन, रोड शो और गंगा आरती करने का कार्यक्रम निश्चित हुआ और जो प्रचंड जन समर्थन रोड शो के अंदर दिखाई पड़ा उसी वक्त मालूम था कि काशी का परिणाम क्या आने वाला है। और जब मोदी जी नामांकन के दिन कार्यकर्ता के सम्मेलन के अंदर आए और कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी जी आप पूरे देश भर में भाजपा का प्रचार करिए, यहां पर आप काउंटिंग के बाद ही आइएगा, और कार्यकर्ता के मन की आवाज को मोदी जी ने स्वीकार कर पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला चुनाव अभियान हाथ में लिया। और मित्रों, शायद ही कोई चुनाव ऐसा हुआ होगा जिसमें प्रत्याशी नामांकन के बाद मतदान तक अपने क्षेत्र में मतदाताओं का भरोसा करकर न आए। देश और दुनिया भर के लोग देखते थे कि काशी के कार्यकर्ताओं ने कहा है मत आइए, मोदी जी क्या करेंगे, मगर मोदी जी का भरोसा आप पर था, काशी की जनता पर था और ये भरोसा आपने सही कहा। वैसे देश के चुनावी इतिहास में मोदी जी ने कई बार इस प्रकार के शुरुआत की है जो शायद कहीं पर भी नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो पंचायत के प्रधान का भी चुनाव नहीं लड़ा था और राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य, मगर संगठन ने जो दायित्व दिया वो दायित्व को कितने अच्छे तरीके से निभाया जा सकता है, अनुभव न होने के बावजूद साथियों के अनुभव को परामर्श से किस प्रकार से शक्ति बनाया जा सकता है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया। मोदी जी जब शपथ लिए ढेर सारे अखबारों ने लिखा था कि मोदी जी को शासन का अनुभव नहीं, मोदी जी ने भी सरलता से कहा था कि मुझे शासन का अनुभव नहीं, मगर मोदी जी जब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म तक चुनकर आए,
सारे विश्व ने स्वीकारा कि भारत का सबसे सफल मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और मित्रों, आप सभी एक रूप में बहुत भाग्यशाली हो कि मोदी जी जैसा जनप्रतिनिधि काशी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। मैं बात इसलिए नहीं कह रहा कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, 30 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले, इसलिए नहीं कह रहा। मैं जनप्रतिनिधि शब्द पर मेरा मतलब है कि जनप्रतिनिधि के रूप में मोदी जी को प्राप्त करना एक सौभाग्य है। मोदी जी जब विधायक थे तब, मणिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहली बार विधायक बने, बाद में मुख्यमंत्री बने, और जब उन्होंने विधायक पद छोड़ा तब मणिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी देश की सबसे विकसित असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी। कई सारी ऐसी चीजें मणिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज भी आप देख सकते हो जो देश भर में, शायद विश्व भर में कहीं पर भी। मोदी जी जब दो स्थानों से चुनाव लड़े थे, बड़ौदा और काशी, चयन करने का समय आया, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर करे बगैर कहा कि मैं काशी का सांसद रहना पसंद करूं। और मित्रों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता क्या होती, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो चुनौतियां का सामना करने में विश्वास करता हो, काम न दिखाई पड़ना हो तो काम ढूंढने में विश्वास करता हो, और काम और चुनौतियों को सांगोपांग रूप से पार कर यशस्वी तरीके से देश को आगे बढ़ाने में विश्वास करता हो। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आंख बंद कर आप देखिए 2014 का काशी और आज का काशी, कितना बड़ा अंतर काशी के उसमें। और काशी अन्य क्षेत्रों जैसा काशी नहीं है। कोई और मत क्षेत्र होता तो बहुत सरल होता है। काशी है विश्व की सबसे पुरातन नगरी, पूरे विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने की क्षमता रखने वाली ये नगरी है। यहां के संस्कार, यहां की परंपराएं, यहां के आध्यात्मिक और ज्ञान की ऊंचाई, ये सारी चीजों को संभालना, संजोना, आगे बढ़ाना और उसके साथ आधुनिक काशी का विकास का काम करना, मित्रों ये बहुत बड़ी चैलेंज है। आज मैं देख रहा हूं कभी एक 5 साल का ही टर्म हुआ है, दूसरा एक टर्म आपने मोदी जी को दे दिया है। 5 साल के अंदर गंगा के घाटों को देखिए, एयरपोर्ट से काशी आने के रोड को देखिए, रास्ते पर लगे हुए जो बिजली के तार थे उसको जमीन में डालने की बात देखिए, स्वच्छता की बात देखिए, गटर योजना की बात देखिए, बीच में जो बिजली के पोल भी है वो काशी के संस्कार के अनुरूप है। इतना डिटेल प्लानिंग के साथ काशी का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कई बार व्यस्तता में से थोड़ा भी समय मिलने के बाद ढेर सारे नए प्रोजेक्ट बाबा विश्वनाथ को अपनी मंडली के साथ देश के सामने पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण। आज तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन अकेले होते थे, मगर बाबा विश्वनाथ अकेले नहीं थे, ढेर सारे मंदिरों में उनका एक पूरा दरबार होता था। ये दरबार आज विश्व के सामने लाने का काम आपके प्रतिनिधि और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने काशी के विकास के लिए जो महीम प्लानिंग किया है उसका एक ही झलक अभी आपने देखा है। एक दूसरे 5 टर्म दिए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आध्यात्मिक संस्कार
और शिक्षा के क्षेत्र में तो काशी विश्व में जाना ही जाता था, मगर विकास की दृष्टि से भी काशी विश्व की अद्भुत विकासशील नगरी बनेगा। इसको मित्रों, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में 80 से 73 सीटें प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। देश भर के राजनीतिक पंडित कहते थे कि एक वेव के कारण। उसके बाद में 2017 का चुनाव आया, 2017 के चुनाव में भी यूपी की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया, 325 सीट भारतीय जनता पार्टी और साथियों की झोली में डालने का काम उत्तर प्रदेश। और दो साल से योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। मगर आज मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से एक बात कहना चाहता हूं, योगी जी के सारे विकास के कामों को आप उठाकर देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव संकल्प पत्र उठाकर देखिए, योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संकल्प पत्र के रोड मैप पर चल रही है। चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद का बात हो, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम घोषणा पत्र बना रहे थे, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास का बीज वहीं पर घोषणा पत्र के अंदर बोने का काम किया था। छोटी से छोटी चीज को घोषणा पत्र की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जरूरियातों के हिसाब से अंदर रखने का काम किया था। मित्रों, आज दो साल के अंदर जो उत्तर प्रदेश, कभी कहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के आधार पर चुनाव नहीं जीते जा सकते, या जात पात के आधार पर चुनाव चलते हैं, परिवारवादी पार्टियों के आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं, पार्टियों की जात के आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल से आप सुन रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनवाई। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नए विकास की गति दी है। दीनदयाल हस्तकला संकुल में पीएम नरेंद्र मोदी इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले सबको हाथ जोड़कर, सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर आभार जताया जो मेहनत कार्यकर्ताओं ने की है, उसके लिए कहा कि मैं आभार जताता हूं सभी कार्यकर्ताओं का। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनवाई। कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को नई विकास की गति दी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे अमित शाह दीनदयाल हस्तकला संकुल से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनवाते हुए, प्रशंसा करते हुए दिखे यहां पर अमित शाह और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दीनदयाल हस्तकला संकुल में पीएम नरेंद्र मोदी और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया कार्यकर्ताओं को और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि गठबंधन और महागठबंधन के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने भी आभार जताया कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने, सभी कार्यकर्ताओं ने ये अपना चुनाव समझ के मेहनत की है इस चुनाव में और उस चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। आशीर्वाद दिया है और मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि काशी के सभी कार्यकर्ताओं का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। काशी कोई मैं पहली बार चुनाव लड़ाने नहीं आया हूं, बाबा की नगरी है, मौजिला स्वभाव है, योजनाएं धरी की धरी रह जाती है,
मगर इस चुनाव में जो भी योजना बनी उसका नक्सिक पालन काशी के कार्यकर्ताओं ने किया, और इसी के कारण 45 डिग्री टेम्परेचर में इतना अच्छा मतदान हुआ। अद्भुत रोड शो, शायद विश्व में ऐसा रोड शो कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा मोदी जी का स्वागत आपने किया, और प्रचंड बहुमत से काशी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मोदी जी को प्रचंड बहुमत से आपने यहां से संसद में जाने का रास्ता प्रशस्त किया। मैं काशी के सभी कार्यकर्ता और काशी की जनता का हृदय से धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं, और आप सबकी ओर से मोदी जी को बधाई भी देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि मोदी जी आइए, देश का नेतृत्व करिए और भारत को विश्व में एक महाशक्ति के नाते प्रस्तापित कर भारत माता का गौरव बढ़ाइए। यही बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। हस्तकला संकुल से आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सुन रहे थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास की नई गति दी है, और साथ ही उपलब्धियां गिनवाते हुए पीएम मोदी की बहुत ही प्रशंसा करते हुए यहाँ पर अमित शाह दिखाई दिए। और इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के बीच हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं को दोनों ही संबोधित कर चुके हैं, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बस कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास की एक नई गति दी है। दीनदयाल हस्तकला संकुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं को अब संबोधित करेंगे।